अंतरी प्यकड़ों की वजह से मंदिर जाना दुर्भर। बालाजी कॉलोनी की महिलाएं हो रही छेड़खानी का शिकार। एक ओर माँ काली का मंदिर तो दूसरी ओर देसी शराब की दुकान। शराब दुकान खुलने के 8 माह बाद आई शिकायतें। कलेक्टर ने जांच के दिए निर्देश। मंदिर होगा सुना सुना बरी रहेगी मधुशाला। फिल्म के इस गाने का यह अंश बालाजी कॉलोनी में आंखों देखी महसूस किया जा सकता है, लेकिन इसकी वजह कलयुगी माहौल नहीं बल्कि मंदिर के रास्ते का रोड़ा बनी शराब भट्टी को बताया जा रहा है। रुद्री रोड पर स्थित बालाजी कॉलोनी में शराब की दुकान को खुले 8 माह हो गए। इसी रास्ते में माँ काली का मंदिर की स्थापना है, जहाँ पर हिंदू धर्म धर्मावलंबी पूजा अर्चना के लिए पहुँचते हैं। पिछले कुछ महीनों से बेबड़े किस्म के लोग मंदिर के रास्ते में आने जाने वाली महिलाओं को छेड़खानी का शिकार बना रहे हैं। यही नहीं, पूजा सामग्रियों को हाथ लगाकर गिराने से भी नहीं बाजा रहे हैं। जन दर्शन में पहुँचे बालाजी कॉलोनी के लोगों का कहना है कि मंदिर के समीप शराब दुकान होना ठीक नहीं है, उसे तत्काल हटाया जाए। ठीक है, महिमा सागर वार्ड से काली का मंदिर सदस्य का समस्या लिखा हो। काली मंदिर के पीछे शराब पट्टी और हटाना है और 2 बार आते हुए फिर भी कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। आप मतलब किस तरह की समस्या होती है? मतलब दारू पी के अपना मंदिर में कुछ काली का रोज करते हैं। मुख्य मार्ग में बच्चों में भी पढ़ते थे, स्कूल भी है और गंदगी भी है। पुलिस ठीक है भाई। बालाजी कॉलोनी से अध्यक्ष दिया गया। आज हमारे यहाँ बालाजी कॉलोनी जो है रुद्री रोड में आता है, यहाँ पर शराब भट्टी का पूर्ण रूप से इंकार कर रहे हैं, जिसको हम पहले भी प्रस्तावित करने के लिए आवेदन किए थे। यहाँ बहुत सारे चीज़ों को लेकर के सारे चीज़ को दर्शाए भी कि माताएँ बहनें यहाँ रहती हैं, निम्न वर्ग से रहती हैं। आज यहाँ स्कूल का संचालित हो चुका है और यह माँ काली का मंदिर जो 4 साल पहले बन चुका है, उसमें इतने दर्शनार्थी आते हैं जिनको आए दिन शराब भट्टी वाले जो दारू पी करके इधर आते हैं शराब, वो छेड़छाड़ करते हैं और सारे जितने भी भक्तजन हैं उनसे अभद्र व्यवहार करते हैं। इन सारे चीज़ों को लेकर के हम उपस्थित हैं, सारे वार्डवासी हैं, 10 कॉलोनीवासी हैं और मंदिर के सभी सदस्य हैं उपस्थित हैं। रही बात स्कूल की, तो छोटे छोटे बच्चे हैं जो शासन द्वारा यहाँ आंगनबाड़ी जो संचालित है वो भी है। यहाँ पे आप गणना नहीं कर सकते कि कितने वर्ष के बच्चे होंगे, लगभग 1-2 वर्ष से 2-2.5 वर्ष के बच्चे आते जाते हैं जो शिकार भी हो चुके हैं, कई बार उनके एक्सीडेंट हो गए हैं। ये तो हम प्रमाणित भी हैं हमारे पास में, अस्पताल में कितने लोग इलाज कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसी ऐसी समस्याएं हैं जिनके ऊपर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा। शासन से हम लगातार मिलते आ रहे हैं, वार्डवासी हो चाहे हमारी बहनें हों भाई हों, किसी न किसी रूप में आते रहते हैं यहाँ शिकायत लेकर के, और उसका निराकरण का सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, बाकी निराकरण नहीं होता है। अब महोदय जी से अपन स्वयं मिले हैं, सब वार्डवासी मिले हैं हमारे बालाजी कॉलोनी से, तो यहाँ पर बताएँ कि अगर उसका कार्य जो है किया जाए। आप लोग क्या करेंगे? आश्वासन ऐसा है कि महोदय जी बैठे कलेक्टर महोदय जी सभी का सुनते हैं और छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक की भक्ति आई है वो जरूर सुनेंगे, ऐसा हम सभी से विनती है। इसलिए आग्रह करते हैं आपके माध्यम से उनको प्रणाम करके कि हमारी समस्याओं को सुने और दारू भट्टी में सवाल आप ये हम इसको परीक्षण करेंगे, क्योंकि अब तो सभी जो जगह चल रहा है उसमें व्यवस्थित ढंग से चल रहा है, जब वहाँ से अगर टाइम तो फिर दूसरा जगह ढूंढना पड़ेगा। इसके लिए जिला लेवल पर एक समिति है, समिति को हम मार्किंग करेंगे, समिति अगर दूसरा जमीन या फिर जगह उपयुक्त बताएंगे फिर उसमें हम शिफ्ट करने के लिए कार्रवाई। सर क्रोध में नगर